तो आओ कहानी बनाएं। आज हम कहानी को बनाना सीखेंगे कि हम एक कहानी को कैसे बना सकते हैं अपने शब्दों का यूज करके। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्या कहा जा रहा है बच्चों, कहानी बनाने के लिए हमें सीखने सिखाने की सबसे पुरानी और शक्तिशाली विधि जो है ये सीखनी चाहिए। कहानियों से विद्यार्थी की सोचने की क्षमता जो है बढ़ती है, उसमें कल्पना की भावना बढ़ती है और एक संकेतक कहानी को बोलकर पढ़ने की क्षमता उसको मिलती है। तो आइए आज हम तीन पिक्स को देखते हैं और उनके आधार पर एक कहानी बनाते हैं। तो एक यहाँ पे क्या थी, एक डियर है एंड वो परछाई देख रही होती है अपनी और फिर ये इस तरह से फंस जाती है। तो कैसे बना सकते हैं, एक बारहसिंगा गर्मी के दिन नदी किनारे पानी पीने आया, तभी उसने अपनी परछाई देखी, सींगों की प्रशंसा करने लगा, टांगों के भद्देपन पर विचार, शिकारी कुत्तों की आवाज, भागना, सींग झाड़ी में फंसना, पैरों की सहायता से सुरक्षित स्थान पर पहुंचना, मुसीबत में डालने के लिए सुंदर सींगों के बारे में, सींग और टांग की तुलना, टांगों को धन्यवाद करना। तो इस तरह से ये कुछ आपको बीच बीच में पॉइंट्स दिए, इनके आधार पर कहानी बनानी है। तो आप लोग लिखेंगे, गर्मी के दिनों में एक बार एक बारहसिंग नदी किनारे पानी पीने आया, उसने अपनी परछाई देखी और कहा कि मुझे मेरे सींग पर गर्व है पर मेरे पैर बड़े बदसूरत हैं। तभी उसे कुछ शिकार, जो शिकार करने वाले जो होते हैं कुत्ते, उनकी आवाज सुनाई देती है तो वो भागता है। तभी उसको झाड़ियों में फंस जाता है और उसे एक शिकारी देखता है और उसके सींगों के लिए जो है भागता है कि उसके सींग उसको मिल जाए मार के, पर वो जो बारहसिंगा होता है उसे पता चल जाता है और फिर क्या होता है, वो अपने पैरों की मदद से जैसे तैसे भागता और बच जाता है। उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसको अपने पैरों पे गर्व करना चाहिए जिन्होंने उसकी जान बचाई, ना कि उन सींगों पर जिसकी वजह से उसकी इतनी परेशानी बढ़ गई। तो इस तरह से आप लोग ये कहानी लिख सकते हैं। बारहसिंगा के सींग कहाँ फंस गए थे, बारहसिंगे के सींग कहाँ फंस गए थे, उसके सींग झाड़ियों में फंस गए थे। बारहसिंगा को आप क्या देख सकते हैं कि उसको अपने सींग पसंद थे और पैर बिल्कुल नहीं। तो आपको अपने शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सा नहीं, तो मुझे अपने बाल पसंद है पर नाक नहीं। तो आप इस तरह से इस वर्कशीट को कर सकते हैं। आप लोग ये तीनों क्वेश्चन इसी तरह से करेंगे एंड घर में भी आप छोटी मोटी कोई भी कहानी बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बाय एवरीवन, यहाँ पे आपकी वर्कशीट खत्म होती है। अब मिलेंगे आगे की वर्कशीट्स के संग, तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।